नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी जानकारी, एमपी में ड्रिंक एंड ड्राइव से सबसे ज्यादा केस मिले हैं। आपको बताते चले कि एक साल में 1872 मामले पंजीकृत किए गए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में स्थिति सामने आई है। नशा मुक्ति अभियान से इन केसों में कमी आएगी। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश ड्रिंक एंड ड्राइव के केसों के सामने आने के में मध्य प्रदेश सबसे अव्वल स्थान पर पहुंचा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह खुलासा हुआ। हालांकि सरकार की तरफ से नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार के इस नशा मुक्ति अभियान के तहत अब कहीं ना कहीं इन केसों में कमी आएगी। लेकिन जो रिपोर्ट और जो आंकड़े सामने आए हैं, उसमें आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में ड्रिंक एंड ड्राइव से सबसे ज्यादा केस आए हैं एक साल में। आपको बता दें कि 1872 मामले पंजीकृत किए गए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में स्थिति सामने आई है। नशा मुक्ति अभियान में आपको बताते चले कि इस अभियान के तहत कहीं ना कहीं केसों में कमी आएगी। तो बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश अव्वल स्थान पर पहुंचा ड्रिंक एंड ड्राइव के सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। इसी के तहत आपको बताते चले कि एक साल में 1872 मामले पंजीकृत किए गए, जिसके बाद सरकार लगातार नशा मुक्ति के तहत अभियान चला रही है। और इसी अभियान के तहत अब कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि इन केसों में कमी आएगी। और बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में आईएएस अफसरों का तबादला। छत्तीसगढ़ में 13 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। आपको बताते चले कि ट्रांसफर आदेश जारी हो चुका है। रवि मित्तल को जशपुर का कलेक्टर बनाया गया है, तो वहीं कोरिया कलेक्टर कुलदीप शर्मा को बालोद का प्रभार दिया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में बड़ा बदलाव देखने को मिला। आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। बताते चले कि छत्तीसगढ़ में 13 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए। ट्रांसफर आदेश जारी हो चुका है। रवि मित्तल को जशपुर का कलेक्टर बनाया गया है, तो वहीं कोरिया कलेक्टर कुलदीप शर्मा को बालोद का प्रभार दिया गया है। कुल 13 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। ऐसे में आपको बताते चले कि आदेश जारी हो चुका है ट्रांसफर का। छत्तीसगढ़ में आईएएस अफसरों के तबादले, बताते चले कि 13 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं, और जिसका आदेश जारी कर दिया गया है। ट्रांसफर आदेश जारी हुआ है। रवि मित्तल को जशपुर का कलेक्टर बनाया गया है, तो वहीं कोरिया कलेक्टर कुलदीप शर्मा को बालोद का प्रभार दिया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के 13 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया, ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए गए हैं।